गाइस, भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में हम में से ज्यादातर लोग अनगिनत प्रॉब्लम की वजह से इतने ज्यादा तनाव में रहने लगे हैं कि उन्हें 24 घंटों में से एक मिनट भी हंसने का मौका नहीं मिलता। लेकिन कुछ देर के लिए ही सही अपने तनाव को भगा देती है अमेजिंग मोमेंट की सीरीज, जिसमें से हम आप लोगों को सात घटी कुछ ऐसी घटनाएं दिखाते हैं जो आपको हंसी के ठहाके लगाने के लिए मजबूर कर देती है। और आज हम आपके लिए अमेजिंग मोमेंट कॉट इन कैमरा का पार्ट 2 लेकर आए हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप इस महाशय से मिलिए जो कि जिम में रूल पर झूलने वाली एक्सरसाइज करने में मशगूल है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि अगले ही पल इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से यह इसे शर्मिंदा का सामना करना पड़ेगा। जब ये लड़का इस रूट पर बैकग्राउंड लगाने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक से इसका एक पैर फिसल गया और बदकिस्मती से पैंट रूट में ही फंस गया। इससे महाशय खुद तो नीचे गिरे लेकिन इनका पैंट वहीं फंस गया। उम्मीद करते हैं कि इस लड़के ने पैंट के नीचे अंडरवियर जरूर पहना होगा, वरना क्या क्या दिख गया होगा ये तो आप जानते ही हैं। अगले क्लिप्स यूरोप के सड़कों के स्ट्रीट परफॉर्मर्स की है, जिसमें से परफॉर्मर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की तरह तैयार होते हैं और वहां के साथ फनी हरकतें करते हैं। इस क्लिप्स को ही देख लीजिए। इस परफॉर्मर ने लड़की के ऊपर अपने पांव वाले कॉस्ट्यूम से वार किया, जिससे बेचारी डर के मारे सड़क पर ही लेट गई और उसे वहां से दूर जाने के लिए कहने लगी। इस महाशय की गर्लफ्रेंड कॉस्ट्यूम में फेस पैक उतारने के लिए अपना मुंह धो रही थी और यह मजाकिया महाशय चुपके चुपके से पास आकर खड़े हो गए और अचानक से इन्हें देखने के बाद धर्मा डर के मारे चिल्ला पड़ी। क्या आपने कभी किसी के साथ मजेदार प्रैंक किया है? कमेंट में जरूर बताना। तो सही बार लाइव कैमरा के सामने लोगों के साथ कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती है जिनकी वजह से उन्हें काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। ये आदमी न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा था कि तभी एक मक्खी उसके मुंह के पास मंडराने लगी और अगले ही पल उसके मुंह में चली गई। ये आदमी भी जाने अनजाने में वो मक्खी निकल गया। इस घटना के होने के बाद भी पीछे खड़ी इस लड़की का रिएक्शन देखने वाला था। खूबसूरत दिखने के लिए ज्यादातर लड़कियां काफी मेकअप और स्किन ट्रीटमेंट करवाती रहती है और इसी तरह नाक के वालों से कुछ समय के लिए छुटकारा पाने के लिए इस लड़की ने फेशियल हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट करवाते हुए गर्मा गर्म वैक्सीन क्रीम को अपनी नाक में लगवा लिया। लेकिन लगता है मोहतरमा को ये स्किन ट्रीटमेंट जमा नहीं और अपनी नाक से सर्दी का सबसे बड़ा गुब्बारा बनाने का रिकॉर्ड बना दिया। अब कमेंट में छी बहुत गंदा है, लिखने मत बैठ जाना, क्योंकि नाक तो सबकी बैठती है ना। ये टीवी रिपोर्टर काफी ध्यान से अपना काम कर रही थी, लेकिन हमारे मिस्टर बीन के चेहरे भाई को हंसी मजाक करने का मन हुआ तो लाइव टीवी में चुपके से इनके पास आकर खड़े हो गए और पागलों की तरह एक्सप्रेशन देते रहे, जिसे अचानक से देख रिपोर्टर साहिबा की डर के मारे चीख निकली और इस घटना के बाद रिपोर्टर अपने आप पर ही हंसती रही। अब इस टीवी शो को देखिए, जिसमें तीन नए स्कूटर का प्रमोशन कर रही थी। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन गलती ये हुई कि इन्होंने स्कूटर इस लेडी को थमा दिया और इन्होंने इसे एक्सप्लेटर को घुमाया कि ये सीधा सामने रखी टीवी से जाकर टकराई और टीवी को साथ लेकर नीचे गिरी। एक तो हड्डियां तुड़वाई, दूसरी बेइज्जती करवाई, तीसरी नुकसान की भरपाई करने में पूरे महीने का तनख्वाह भी गवाई। अब इससे ज्यादा अमेजिंग मोमेंट और भला और क्या हो सकता है। जब टीवी एंकर ने इस मोहतरमा को लाइव टीवी में महंगे ड्रिंक की बोतल थमा दी और ट्रेडिशनल छुरी से इसके ढक्कन को खोलने को कहा, लेकिन लड़की ने बोतल वैसे खोला कि ड्रिंक से खुद को ही नहला दिया। ये बढ़िया था गुरु। अब इस मूर्ख आदमी को देखिए जो टिकटॉक पर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने में माहिर है। इस बार भाई साहब ने चूड़ी की पहले अपने पैरों से पहना, फिर गले में और फिर अपने हाथ में उसमें डालकर चलने लगा। महाशय ऐसे गिरे इनकी तशरीफ की चट्टी बन गई। अब ये महाशय अपनी शादी में इतना सस्ता रसा करके आए थे कि वो अपनी होने वाली बीबी की जगह सासू माँ को जयमाला पहना रहे थे और इस शर्मिंदा हरकत को रोकने के बाद जब महाशय को एंगल चेंज करके बीबी को माला पहनाने के कहा गया तो ये माला पहनाने से पहले ही नीचे गिर गए। क्या बढ़िया था गुरु। लड़की के टीवी शो में लेडी इस आदमी को काफी देर से परेशान किए जा रही थी। पहले तो ये महाशय हंस रहे थे, लेकिन फिर जब इस लेडी ने इन पर पानी डालने की कोशिश की तो इन्होंने गुस्से में गिलास को नीचे गिराया और इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया।
अगली क्लिप में फ्रैम बोल्ड ग्राउंड में चल रहे थे और कैमरामैन को उनके हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड करने का काम दिया गया था, पर कैमरामैन हुसैन बोल्ट को देखने में इतना मशगूल हो गया कि उसका स्कूटर ग्राउंड के स्टील बॉर्डर पर चढ़ गया और खुद की तशरीफ तुड़वाने के साथ बदकिस्मती से उसने उसे हुसैन बोल्ट को ग्राउंड पर गिरा दिया। लेकिन बदकिस्मती से हुसैन बोल्ट को गुस्सा नहीं आया। गाइस, स्पोर्ट्स फॉर बॉल्टर नाम के खेल खेली जाती है जिसमें स्टिक्स की मदद से लॉन्ग जंप मारना होता है, और इसी गेम में परफॉर्म करते हुए ये महाशय जब जंप कर रहे थे तो इनका बैलेंस बिगड़ गया और सीधे नीचे गिर गए। इतना ही नहीं, इनकी स्टिक ने इन्हें किटी शर्ट और शॉर्ट्स को फाड़ दिया। साथ ही अमेरिका में कोनान बहुत लोकप्रिय चैट शो चलाते हैं, जिसमें एक बार उन्होंने अमेरिकन सिंगर निकोल को इनवाइट किया और छोटी सी ड्रेस पहनने को निकोल इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि कोनान महाराज ने निकोल की बॉडी से नजर ही नहीं हटा रहे थे, और पूरी शो के सामने निकोल ने एंकर कोनान को सुनाकर उसी के मजे ले लिए। कई बार रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग खराब करने के लिए न जाने कहां से मन बाप प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार पोलैंड की पॉलिश टीवी में से खूबसूरत मोहतरमा रिपोर्टिंग कर रही थी, सब कुछ सही जा रहा था, तभी पीछे से एक आदमी आए और डस्टबिन में से कुछ उठाने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश में फिसलते हुए जनाब सीधा डस्टबिन में जा गिरा, लेकिन इस बात से अनजान रिपोर्टर्स भाई बा रिपोर्टिंग करती रहे। क्लिप देखने के बाद रिपोर्टर यही सोच रही होगी कि पूरा अटेंशन तो पीछे वाला ले गए। अगली क्लिप में वेदर फोरकास्ट वेदर साथ कर रहे थे, बीच सड़क में उनके कुत्ते ने एंट्री मार ली और भाई साहब को इतना परेशान किया, इनकी हालत टाइट हो गई। अब इस फुटेज को देखिए जिसमें ये लड़की वर्कआउट साइट पर आगे झुक गई, जिसमें से इसकी साइकिल पीछे ऊपर उठी। अब ये देख मोहतरमा को मजाक करने का मन हुआ और ये बार बार साइकिल को आगे पीछे करने लग गई। लेकिन वो कहते हैं ना, बेवकूफी की भी कोई सीमा होती है, अगर इसे पार कर जाओ तो नुकसान होता ही है। इसके साथ भी यही कुछ हुआ, इतना जोर से नीचे गिरी की हालत टाइट हो गई। शायद इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। अगली क्लिप में ये तीनों टेंट में बैठकर मजे कर रहे थे और अचानक से वहां शेर आया और एक आदमी के ऊपर छलांग मारकर उसके पास आया, जिससे डर कर महा से पीछे गए और बोन फायर में उनके कपड़े जल गए। शायद ये सर पालतू था इसीलिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, बारिश में कई जगह कीचड़ की नदियां बहने लगती है, जिससे बचने के लिए लोग छोटे छोटे पत्थर के ऊपर से चलते हैं, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कीचड़ से बच जाए। अब इस घटना को भी देख लीजिए, जिसमें से सबसे पहले इन मोहतरमा ने एक रॉकेट की स्पीड से फिसलते हुए कीचड़ में एंट्री ली, उसके बाद उसे बचाने गई मोहतरमा का पैर भी फिसला और वो सीधे कीचड़ में जा गिरी। उम्मीद करते हैं दोनों आज के बाद बारिश में फिसलती हुई स्लीपर पहनकर बाहर नहीं निकलेगी। खैर छोड़िए, वो कहते हैं ना, महिला को दूसरी महिला से हमेशा जलनी होती है। जो फीमेल ये वीडियो देख रही है वो ये बिल्कुल नहीं मानेंगी, लेकिन सबूत दिखाने के लिए हम है ना, 2015 में मिस अमेजन कॉन्टेस्ट चल रहा था। कड़ी मकसद के बाद एक खूबसूरत वीतिया इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन पाए, लेकिन किसी भी कॉन्टेस्ट में विनर तो एक ही होता है ना, राइट? यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ब्लू ड्रेस वाली यह युवती कॉन्टेस्ट जीत गई, लेकिन उसकी कॉम्पिटिटर को शायद ये बात जमी नहीं और भरी सभा में ये विनर के सर के ताज उतार कर नीचे फेंक दिया और उसे गाली देकर वहां से चली गई। लड़कियां को स्टाइल मारने में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। अभी अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में खड़े हो तो एक बार अपनी आंखों में से जरा चारों ओर देखिए, आपको एक न एक लड़की स्टाइल मारते हुए देखी जाएगी। अब जरा इस मोहतरमा को देख लीजिए, ये सीढ़ी पर इसे रैंप वॉक कर रही थी जैसे स्वर्ग से अप्सरा आ रही है, और दीदी जी के साथ ये क्या हो गया। 50,000 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी तशरीफ को पकड़ते हुए सीधा नीचे गिर गई। अब स्टाइल को छोड़ो, जाकर क्रीम लगाओ तशरीफ पर। इस दुनिया में अतरंगी लोग भरे पड़े हैं जो अतरंगी प्रैंक करते रहते हैं। अब इस लड़के को देखिए, जिसने अपना मुंह ढक लिया और बीच रास्ते में पुलिस की गाड़ी ही को ही खड़ा करके उसमें अपना बैग डालकर भागने लगा। डर के मारे गाड़ी से उतर कर वो लोग भी वहां से भागने लगे, और खैर फिर उसने बता दिया कि वो प्रैंक कर रहा है। एक लड़की की डिमांड है कि वह डोली में चढ़ने से पहले एक गाना गाना चाहती है। उसका हस्बैंड जब उसको स्टूडियो लेकर जाता है तो पता चलता है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए गाना गाना चाहती है। तो स्टूडियो वाले उससे पूछते हैं कि तुम कौन सा गाना गाना चाहोगे। उसके बाद कौन सा गाना है आपका? जीती थी।
लड़की गाना गाते हुए रोने लग जाती है और उसका हस्बैंड आंखें फाड़ कर उसको देख रहा था और फिर लड़की का जो कहना था वो सुन के तो आप भी पागल हो जाओगे। अरे रोने क्यों लगे आप? वो क्या है ना जी, मैं उससे प्यार करती हूँ अपने बॉयफ्रेंड से और वो किसी और लड़की से प्यार करता है। तो फिर आपने शादी क्यों कर ली हुई? उसे जलाने के लिए, पर वो आया ही नहीं और हम बर्बाद हो गए। इसके एक्स के चक्कर में बेचारे लड़के का जिंदगी बर्बाद गई।